बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ निशाना साधा। कहा राजीव बिंदल ने कि बीते दिन हमीरपुर में मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी ने प्रेस वार्ता के दौरान स्वीकार किया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मित्रों की सरकार है। राजीव बिंदल ने कहा, मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, मित्रों को लाभ पहुंचाने में कौन सी बुराई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। वही राजीव बिंदल ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 20,000 करोड़ का कर्जा 18 महीने में, विकास के नाम पर शून्य। मुख्यमंत्री जी ना हमीरपुर के मुख्यमंत्री बन पाए, ना शिमला के, ना कांगड़ा के, ना मंडी के, ना हिमाचल के, वो मित्रों के मुख्यमंत्री बन गए, मित्रों के टोले के मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं, हमीरपुर जिला के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय किसी ने किया है तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के, हमीरपुर जाना जाता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने, हमीरपुर जाना जाता है सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए, परंतु सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद करके हमीरपुर की पहचान को मुख्यमंत्री जी ने नेगेटिव स्टैंड दिया।